सिग्नेचर हम किए, अपना सारा चीज जो भी लड़कों का था, जितना डॉक्यूमेंट था सबका डॉक्यूमेंट हमने दे दिया है, और जो भी एविडेंस था सारा चीज मैंने अपने हाथ से लिखा है उस मैटर को, मैटर भी मैंने उनको सारा चीज दे दिया है। तो कल वो लोग वो फाइल कर देंगे, कल केस फाइल कर देंगे और सारा मैटर तैयार करके तकरीबन 2 बजे के आसपास केस फाइल करेंगे। हाँ, जहाँ तक बात थी ये स्टे के लिए, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम बात किए। और हाँ, एक चीज और है कि वो पहले भी विद्युत विभाग का जो केस है वो उनके पास, मतलब 25-30 साल से केस लड़ रहे हैं, और उनके पास पहले भी विद्युत विभाग का केस आया है और वो लड़े हैं उस केस को, पुराना केस को भी, तो सारा चीज उनको मालूम है। प्रॉब्लम आ रहा है कि परसेंटाइल सिस्टम जो लगाया गया है ना, तो उस पर प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो तो बोल रहे थे कि जज को भी मालूम नहीं होगा कि परसेंटाइल सिस्टम नया नया आया है। लेकिन जहां तक बात है कि 27 और 28 तारीख को जो 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 2-2 शिफ्ट में, 4 शिफ्ट टोटल, तो जैसे कि 27 के फर्स्ट में 47 क्वेश्चन लड़ रहा था, फिर 27 के सेकंड में 48 क्वेश्चन या 49 क्वेश्चन लड़ रहा था, फिर 28 के फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज्यादा ब्लंडर है 66 क्वेश्चन लड़ा है 3 और 4 तारीख से, जबकि 28 के सेकंड शिफ्ट में 51 क्वेश्चन लड़ा है। तो वो लोग वो बोल रहे थे, या हम लोग कुछ जो जानकारी मिला जितना पढ़ सकते थे उतना पढ़े, तो एक ही परसेंटाइल सिस्टम लगाया गया है, तो वो तब लगाया जाता है जब एक डेट में कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में 4 शिफ्ट में, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन मैच कर सकता है। लेकिन अगर एक डेट से दूसरे डेट में अगर एग्जाम होता है अलग अलग शिफ्ट में, तो उस क्वेश्चन को दोहराया नहीं जा सकता है, जबकि ये तो क्वेश्चन, ये तो एग्जाम 27-28 तारीख को हुआ था, कहने का मतलब कि बीच में 23 दिन का गैप था। और सोशल मीडिया का जमाना, भाई व्हाट्सएप फेसबुक से और ये यूट्यूब से तो बहुत सारा क्वेश्चन आदमी को मिल जाता है, तो इस कंडीशन में इतना सारा क्वेश्चन 27 और 28 को मैच नहीं करना चाहिए था, 1 से 5% बहुत है, तो ये मजबूत एविडेंस है। हालांकि उन्होंने बोला कि जो फीमेल वाला जो कैंडिडेट का मामला है, वो भी मामला बहुत संगीन है, सारा चीज जांच करके ही उनको रिजल्ट प्रोवाइड करना चाहिए था, जबकि हड़बड़ी में उन लोगों ने रिजल्ट प्रोवाइड कर दिया, ये भी ब्लंडर मामला है। तो अगर जज कन्विंस होता है तो स्टेप पहले डेट में ही लग जाएगा। और उन्होंने बताया कि वेरिफिकेशन होने से कोई लेना देना नहीं है, वेरिफिकेशन तो छोड़िए, अगर ज्वाइनिंग भी हो जाता है और कोर्ट में मामला सिद्ध हो जाता है कि नहीं गलत तरीके से रिक्रूटमेंट किया गया है, तो जो लोगों का मतलब ज्वाइनिंग भी होगा तो उनको भी पद छोड़ना पड़ेगा इस कंडीशन में। हालांकि उन्होंने बोला है कि जैसे कि कल केस फाइल करेंगे, वो कल केस फाइल करके और वो डेट लेंगे, केस का डेट मिलता है, ऐसे 1 दिन में या 2 दिन में हियरिंग नहीं होता है, डेट जब हम लोगों का केस का बारी आएगा तो हम लोगों का हियरिंग किया जाएगा, बहस होगा, और अगर जज कन्विंस होगा तो फर्स्ट डेट में ही स्टे लगाया जा सकता है। तो वो हम लोगों को हड़वाना नहीं है, जो भी काम करना है वो मतलब वकील साहब को करना है। तो वो बोल रहे थे कि 14 या 15 तारीख को हो सकता है कि हम लोगों का डेट मिले, वेरिफिकेशन हो रहा है होने दीजिए, जो भी हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, समस्या नहीं है, हम पहले भी इस तरह का केस लड़े हैं। तो जो भी है, अगर सिद्ध होगा तो हमारी किस्मत है, हम लोगों का भगवान से मनाइए कि अगर हम लोग केस जीत जाए, यही है। बाकी कल का जो अपडेट होगा हम कल देंगे, सारा चीज जो भी था हम बताए हैं जितना चीज था, और इसका जो है जो खर्च होगा